दिल्ली से एक्स मिनिस्टर, और अभी हम लोग पंचकूला डीजीपी ऑफिस में, जो रणदीप हुड्डा ने हमारी समाज की सम्मानित महिला मायावती जी के खिलाफ जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है, और उस पर कार्रवाई के लिए आज हमने एक कंप्लेंट फाइल की है, डीजीपी साहब को दिया है। और अगर इस पे कार्रवाई ये लोग जल्दी नहीं करते हैं तो इस तरह की भद्र टिप्पणियां, कभी मुनमुन दत्ता बोलती है, कभी विका चौधरी बोलती है, कभी युवराज सिंह बोलता है, तो ये लोग बार बार हमारे समाज का टेम्पर क्या चेक करना चाहते समझ में नहीं आता। हम लोग 85% इस देश का निर्माण में हमारा सबसे बड़ा योगदान है, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनली बाप है, लेकिन ये लोग बाबा साहब का अपमान करने में भी पीछे नहीं रहते। और एक महिला के लिए इतने अभद्र जो जॉब का इसने इस्तेमाल किया है, मैं कहता हूँ इस आदमी को तो आजीवन कारावास होना चाहिए। और ऐसे ऐसे जो भी लोग समाज में घूम रहे हैं, जो सामाजिक एंटी सोशल एलिमेंट है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संविधान के खिलाफ इस देश में कोई षड्यंत्र आरएसएस का या भाजपा का या कांग्रेस का मिली जुली है कि इनकी रणनीति है कि इन लोगों को अपमानित करो बार बार, इनके जाति से, इनके पैसे से, या किसी भी तरह की भद्र टिप्पणी करो, देखो ये लोग चाहते क्या। आज तो जो कंप्लेंट दी है डीजीपी को, क्या उसमें आपने मांग उठाई? देखिए, उसमें हमने ये कहा कि तुरंत प्रभाव से इस पे एफआईआर हो और गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं कि मैंने बहुत सारे मुकदमे दर्ज कराए हैं, मैं पेशे से वकील भी हूँ पहले से, तो ये लोग जानबूझ के जनरल कैटेगरी के लोगों को छोड़ते हैं, और उनको या तो रिश्वत खा के छोड़ते हैं या कोई सामाजिक इन्फ्लुएंस से किसी भी तरीके से ये लोग एफिलेटेड होकर के इनसे, और इनको छोड़ते हैं ताकि ये लोग समाज में गंद फैलाएं। तो इस तरह की जो गंदी मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंसाफ पृथ्वी सिंह, इंसाफ INSAF, आई फॉर इलस्ट्रियस प्रख्यातवादी, एन फॉर नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, एस फॉर सोशल सामाजिक, एफ फॉर फोरम मंच का राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड है, उसका नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आज SC ST OBC के लोगों के ऊपर, आदिवासी भारतवासी लोगों के ऊपर हम होने वाले हर उत्पीड़न की पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में आवाज उठाते हैं। आज भी हम हमारे समाज की हमारी बहन कुमारी मायावती, बहुत ही देश की सम्मानित पूरी दुनिया के आर्यन लेडी के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसको लेकर DGP साहब को अपना संवैधानिक कार्रवाई के लिए अपना लेटर ज्ञापन देके जा रहे हैं। और आज देश वर्तमान दौर में इतने घातक दौर में पहुंच चुका है, दुनिया की 3 बड़ी खतरनाक एजेंसियां ISI, CIA और RSS संगठित हो चुकी हैं, पूरी दुनिया के सेठ साहूकार संगठित हो चुके हैं, RSS का कब्जा जल में थल में नभ में हो चुका है, कोरोना की आड़ में ये बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं, और कोरोना से भी घातक ये हथियार छोड़ सकते हैं। कोरोना दुनिया का ग्लोबल स्कैंडल है, पूरी दुनिया को जिनके घर में नहीं था आटा उनके मुंह के बंधवा दिया पाटा, और इन्होंने पता नहीं कितने जुर्म कर दिए हैं। इस कोरोना की आड़ में मानव अंगों की भी तस्करी हो रही है, दुनिया को लूट लिया है, पहनने वाले कपड़े से ज्यादा दुनिया में कफन बिक चुके हैं। आज वर्तमान दौर में पूरी दुनिया के मजदूर और किसान नहीं जागे तो आने वाले टाइम में कोई मजदूरों को और किसानों को भीख भी नहीं देगा। आज पूरी दुनिया के धन्ना सेठ कारपोरेट लोगों ने पूरी दुनिया से मजदूरों और किसानों को खेत और खलियान से भी भगाने का प्लान कर लिया है, मिट्टी से लेकर मेटल तक तमाम धंधे अपने काबू कर लिए हैं। अगर आज के दिन दुनिया भर के मजदूर और किसान नहीं जागे, सर छोटू राम बाबा साहब जैसे विश्व के महान व्यक्तियों के विचारों को नहीं समझे, तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। ये मनुवादी आतंकवादी कोरोना से भी घातक वायरस छोड़ेंगे और विस्फोटक हथियारों का भी प्रयोग करेंगे। आज भारत का राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति की ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है, भारत के 131 ST ST OBC के लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे हैं, भारत की संसद में बैठे हुए तमाम लोग RSS की कस्टडी में हैं,
आज भारत का अमनेशन मिलिट्री का युद्ध भंडार भी आरएसएस के कब्जे में है। आज के दिन दुनिया की सबसे घातक एजेंसी, घातक संस्था आरएसएस से लोग सावधान नहीं हुए तो देश नहीं दुनिया तबाही की तरफ जा चुकी है। और ये लोग आधी आबादी को खत्म करने का प्लान कर चुके हैं। ऐसे वीडियो पूरी दुनिया से मेरे पास, पूरी दुनिया से कह रहा हूँ आ रहे हैं और मैं भी जानकारी दे रहा हूँ। इसी के साथ मजदूर और किसान, खेत और खलियान, मंडी और फंडे, संसद और संविधान, हर जगह सावधान हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कोई भीख भी नहीं देगा और सब कुछ धंधा सेठों के काबू में रहेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।